सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेकटॉक्स के ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज के सारे लाइक्स माइक्रोमैक्स के नाम देखते दोस्तों, कम से कम यार 30-35 हज़ार तो बनते हैं यार। इंडियन कंपनी है यार माइक्रोमैक्स, यार इतना अच्छा काम करती है यार माइक्रोमैक्स के नाम पे डबल लाइक। दोस्तों यहाँ पे जो पहला अपडेट आ रहा है वो है माइक्रोमैक्स की तरफ से और ये दोस्तों लेके आने वाले हैं आपके लिए फोन जहां पे आपको मिलेगा इन्फिनिट स्क्रीन, बोल दोस्तों 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले। दोस्तों लॉन्च डेट है वो है अगस्त 22 की। मैं इस फोन को पहले देख चुका हूं, यहाँ पे दोस्तों आने वाले हैं दो फोन, एक अभी लॉन्च करेंगे दोस्तों शायद करेंगे और दिवाली के आसपास। यहाँ पे जो स्क्रीन है वो होगा 720p और स्नैपड्रैगन शायद 425 या 430 अगर मुझे याद आता है तो। रिमूवेबल बैक होगा और अभी लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, LG ने पहले आगे बाजी मार ली है। देखते हैं कि माइक्रोमैक्स दोस्तों टिक पाता है या नहीं। और जो बात चल रही थी हमारी प्राइस को लेके, अगर वो प्राइस पे लॉन्च करेंगे तो भैया फोन बिल्कुल फ्लॉप होने वाला है। हाँ अगर 10-11-12 हज़ार के आसपास आएगा तो अच्छा हो सकता है। देखते हैं कि दोस्तों क्या तीर मारता है माइक्रोमैक्स यहां पे 22 अगस्त को और क्या टिक पाता है LG Q6 वगैरह के सामने। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया HBO की तरफ से और यहां पे दोस्तों HBO ने करीब $2.5 लाख जो है वो ऑफर किए थे हैकर्स को। बिकॉज आप दोस्तों जानते हैं कि भैया कितने लीक चल रहे हैं आजकल, गेम ऑफ थ्रोन्स के कुछ भी आता नया तो पहले लीक हो जाता है। तो यहां पे HBO दोस्तों इससे हो रहा है बहुत सारा नुकसान, लेकिन जो हैकर्स की डिमांड है वो थी करीब $6 मिलियन की। कहां 2.5 लाख, कहां 6 मिलियन। और ऐसे में दोस्तों जो लीक्स वगैरह हो रहे हैं, मतलब डिजिटल के जमाने में ना कुछ सेफ बचा नहीं है। आप कहां पे उसको कितना भी सिक्योर रख लो लेकिन अगर लीक होना होगा तो भैया लीक हो ही जाएगा। और वही हम देख रहे हैं दोस्तों सामने जो चलता आ रहा है अभी गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ में। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया जीमेल iOS को लेके। अभी आप अगर एंड्रॉयड में दोस्तों काम में लेते हैं जीमेल को तो होता क्या है कि अगर आप किसी मलिशियस लिंक पे क्लिक करते हैं, अगर दोस्तों ऐसा लिंक जो लेके आता है किसी फिशिंग वेबसाइट पे, तो वो आपको पहले बताता है, पहले आपको रोकता है। तो अब यही अपडेट आ गया है iOS में भी, अगर आप काम में लेंगे जीमेल के एप्लीकेशन से होगा ये कि अगर कोई आपको फिशिंग के लिए लिंक्स भेजता है आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको पहले बता देगा कि भैया आगे मत जाओ, आगे खतरा है। तो ऐसे में दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो हैक होने से, आपकी प्राइवेसी जो है वो पब्लिक होने से बच जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया रिलायंस जियो के बदले का एक और ठोस प्लान और ये दोस्तों आता है एयरसेल की तरफ से और ये एक बहुत ही कमाल का प्लान है जहां पे आपको ₹419 में 84 डेज तक रोज का 2 GB डेटा मिलने वाला है। और यहां पे दोस्तों ये जो प्लान है ये अवेलेबल है नॉर्थ ईस्ट में। अगर दोस्तों J&K में इस प्लान को यूज करना है तो वहां पे जो उसकी कॉस्ट है वो हो जाएगी ₹449। सभी सर्कल्स में अवेलेबल नहीं है बिकॉज दोस्तों सभी जगह पे एयरसेल भी नहीं है और यहां पे ये 4G में नहीं है, ये है सिर्फ 2G और 3G। लेकिन फिर भी अगर आपको रोज का 2 GB डेटा मिलता है ₹419 में तो कितने कमाल की बात है। 84 डेज तक जियो ने ना सबको अच्छा वाला दोस्तों जीने दे दिया है यहाँ पे सबके लिए। और आगे चल के ना लड़ाई जो होने वाली है डेटा की होने वाली है, मेरा 1 GB, मेरा 2 GB, मेरा 5 GB, मेरा 10 GB, तो मतलब दोस्तों ये होगा और ऐसे में हम जो है वो उड़ाएंगे मजे। अब देखो आप कि आप कौन सा प्लान रिचार्ज करवाते हो, जियो फोन आ रहे तो फिर देखो और धमाका होगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है आप गेमर्स के लिए गुड न्यूज। अगर दोस्तों आपको बिल्ड करना है कोई कस्टम PC, अगर आपको दोस्तों लगाना है वहां पे AMD का प्रोसेसर, तो यहाँ पे दोस्तों इंडिया में आ गया है जो है AMD Ryzen Threadripper और जो प्राइस दोस्तों है वो स्टार्ट होती है 55,900 रुपीज से, GST एक्स्ट्रा है। यहां पर दोस्तों अलग अलग आपको मॉडल मिल जाएंगे, 12 कोर वाला भी है, 16 कोर वाला भी है। तो यहां पे अब आप देखोगे आपको कौन सा लगा दोस्तों प्रोसेसर। और ये जो है ये एकदम बिल्कुल उसने इस बार चूर कर दिया, चकनाचूर कर दिया इंटेल को, तो Ryzen 3 5 7 है दोस्तों ये जो आया है Ryzen Threadripper, ये मतलब बिल्कुल कमाल के देगा परफॉर्मेंस। अगर आपको PC बिल्ड करना है तो आप लगा सकते हैं इस प्रोसेसर को। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है एक ऐसे फोन के लिए जिसका मतलब पूरा हिंदुस्तान दोस्तों कर रहा था इंतजार और ये है ओप्पो का F3। ओप्पो F3 है इंडिया में पहले से, लेकिन दोस्तों ये है ओप्पो F3 दीपिका पादुकोण एडिशन। यहाँ पे दोस्तों आपको लेजर एनग्रेविंग मिलती है सिग्नेचर की दीपिका पादुकोण के, सेल्फी लेते जाओ याद करते जाओ। ₹20,000 का ये फोन है और दोस्तों बाद में उड़ाओ पूरे मजे, ले लो रोज गोल्ड कलर में, तो मतलब पूरा सेल्फी के चक्कर में ऐसे घूम जाओगे ना आपकी मजा आ जाएगा। और ये दोस्तों फोन जो है वो आ चुका है सामने, अब ये मिलेगा आपको ऑफलाइन में भी और फ्लिपकार्ट वगैरह के ऊपर भी। जाओ ले लो, खींच लो सेल्फी, उड़ा लो मजे। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपको अपने फोन पे पीछे कुछ कस्टम एनग्रेविंग करवाने तो आप किसकी करवाओगे भाई,
खुद के नाम की, खुद के ऑटोग्राफ की, खुद के पेरेंट्स के नाम के लिए, किसी भगवान को आप मानते हो उसके लिए, मतलब आप क्या यहाँ पे करवाने वाले हो? कोई कोर्ट लिखवाओगे या फिर आपको चाहिए दीपिका पादुकोण का सिग्नेचर? दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया गूगल की तरफ से, और यहाँ पर दोस्तों गूगल ने एक स्टूडेंट को पे किए हैं $10,000, दोस्तों बोले तो करीब करीब 6-6.5 लाख रुपए के आसपास, क्योंकि उस स्टूडेंट ने एक सिक्योरिटी फ्लॉ बताया था जो था गूगल की वेबसाइट में। गूगल ने उसको एक्नॉलेज कर दोस्तों बदले में दे दिया स्टूडेंट को $10,000। और हम यहाँ पे इंडिया में बात करते हैं कि 15 साल के स्टूडेंट को गूगल ने हायर कर लिया है 1.5 करोड़ की सैलरी में, मतलब क्या यार क्या। हाँ हाँ, इंडिया में दिमाग भाई तगड़ा है, सुंदर पिछा ही अपने इंडियन हैं, और गूगल में जो है दोस्तों सभी पोजीशंस पे बड़ी बड़ी में इंडियन से जाके बैठे हैं। लेकिन ऐसे काम जो हैं वो आप यंगस्टर्स कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है एथिकल हैकिंग वगैरह में, कि आप ऐसी बड़ी कंपनी से फ्लॉज हैं वो उनको बता सकते हैं और बाद में आपको मिल सकता है काफ़ी अच्छा सा कैसा पैसा, बिकॉज हैकिंग जो है वो सभी चाहते हैं कि कैसे दोस्तों हम प्रिवेंट कर पाएं। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए, और हम होते हैं बड़े खुश कि भैया यहाँ पर तो हमारे पास में एंड टू एंड इंक्रिप्शन, तो मतलब कुछ भी भेज दो मैसेज, कुछ भी दोस्तों भेज दो फोटो या फिर वीडियो, क्या फर्क पड़ता है, जिसको भेजना है सिर्फ वही देख पा रहा है। लेकिन यहां पर दोस्तों स्टडी ये कहती है कि जो ऑथेंटिकेशन होता है रिसिपिएंट का वो इतना यहां पे अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे बीच में अटैक हो सकता है, जो आपका डेटा है वो हो सकता है लीक। तो भैया ध्यान रखा करो कि व्हाट्सएप पे क्या भेज रहे हो, कब भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, क्या पता बीच में अगर कोई और पढ़ ले तो शायद आपको जो मैसेज है वो गलत हाथ में चला जाएगा। तो प्लीज अच्छा कंटेंट भेजा करो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है PlayStation 4 Slim को लेके। अगर दोस्तों आपको पसंद है सफेद रंग तो ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है अगले हफ्ते, जहां पे दोस्तों को मिल जाएगा 27,990 रुपए में PS4 Slim व्हाइट ग्लेशियर एडिशन। लेकिन स्लिम का क्या करोगे यार, PS4 प्रो की बात करते हैं यहाँ पे, तो अभी स्लिम को भी आज तक लगा रखा है इंडिया में, क्योंकि ना इसके ऊपर लगता है आपका शायद लग्जरी टैक्स वगैरह कुछ पहले लगता था, पता नहीं अभी क्या है क्या सीन नहीं है। लेकिन ये बहुत ही महंगा होता है अगर आप कंपेयर करते हैं बाहर की प्राइसिंग से, तो इंडिया में जो कॉन्सोल्स हैं वो बहुत ही महंगे मिलते हैं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है एक बहुत ही महंगे फ़ोन को लेकर, दोस्तों जो हो गया है बिल्कुल सस्ता, ये है दोस्तों वर्तू के लिए, और अभी वर्तू जो है दोस्तों वो करने वाला है ऑक्शन। 105 अलग अलग मॉडल्स हैं, सब दोस्तों एक साथ जो है वो बिकने वाले हैं, बिकॉज UK में जो फैसिलिटी दोस्तों वो हो गई है बंद, और यहाँ पे जो म्यूजियम था वहां पे 105 वर्तू के फोन से दोस्तों होने वाले हैं एक साथ ऑक्शन में सामने, और यहाँ पे जो बिड है वो स्टार्ट होती है सिर्फ $26,000 से। दोस्तों $26,000 में 105 वर्तू के फोन, मतलब ये दोस्तों डील कमाल की है, बिकॉज एक जब टाइम था वर्तू का, जब चलता था वर्तू, उस टाइम पे एक एक फोन की प्राइस भी कई बार $30,000-$35,000 पे जाती थी। अभी ये सारे मिला के अगर 26,000 से स्टार्ट हो रही तो मतलब देखते हैं कि भैया कंपनी जो देने वो कैसे घूमते हैं। हाँ, यहाँ पे वो सिग्नेचर कोबरा नहीं है दोस्तों, इसकी प्राइस $3,60,000 है। यहाँ पे और बाकी सारे आपको मॉडल्स मिल जाएंगे, तरह तरह के सिग्नेचर, तरह तरह के दोस्तों एक्सेंट, या फिर मैं बोलूंगा तो आपके जो आते हैं कॉन्सलेशन वगैरह। देखो वर्तू को कौन खरीद पाता है इन 105 फोन्स को एक साथ। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया मोटो X4 के लिए, और यहाँ पे दोस्तों लीक आ गई है फोन की, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, सब तरफ से दोस्तों फोन की जो फोटो सामने लीक होकर आ गई है। ब्लैक कलर का ये फोन है, ड्यूअल रियर कैमराज हैं, और ये दोस्तों लॉन्च होने वाला शायद 24 अगस्त को। देखते हैं कि इंडिया में कब आता है, और यहाँ पे शायद आपको देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर। अभी मोटोरोला क्या अच्छा करता है X4 के साथ में देखते हैं, और इंडिया में कब आता है वो भी हम देख ही लेंगे। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया शाओमी की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों शाओमी जो है वो इंडिया में अभी 2 मी होम तो खोल चुका है बेंगलुरु में, और अब दोस्तों एक और ओपन करने वाला है दिल्ली NCR रीजन में, दोस्तों कंफर्म कर दिया है शाओमी इंडिया के हेड ने। अभी देखते हैं कि शाओमी का वो स्टोर कहाँ खुलता है दिल्ली में, कौन से मॉल में, कौन सी दुकान दोस्तों होती है शाओमी के नाम, और बदले में आपको फोन्स मिल पाते हैं या नहीं, या फिर आपको सिर्फ वही लाइन में लग के एफ कोड के चक्कर में दोस्तों सारा जो गुजारा है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है हाइक के लिए। हाइक दोस्तों एक व्हाट्सएप की तरह इंडियन मैसेंजर है जो आपको मालूम है काफी पॉपुलर है, और यहां पर दोस्तों हाइक ने एक्वायर कर लिया है क्रियो को। क्रियो आपको याद है, एक दोस्तों कंपनी जिसने पिछले साल बनाया था एक फोन क्रियो मार्क 1, और हर महीने आपको नया फोन देने का वादा किया था, आपको हर महीने अपडेट मिल रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, वो कंपनी किधर है नहीं मालूम, फोन किधर है नहीं मालूम, कितने बिके नहीं मालूम, और बस दोस्तों जोश जोश के अंदर पूरे अपने काफी लॉन्च किया था तगड़े वाला, और अभी जो वो कंपनी दोस्तों वो बिक गई है हाइक के नाम। तो अब देखो कि आगे चल के क्रियो क्या कुछ इंटरेस्टिंग लॉन्च कर पाता है या नहीं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया रिलायंस जियो की माई जियो ऐप को लेके, और यहाँ पे दोस्तों हो गए हैं 100 मिलियन डाउनलोड्स पूरे माई जियो के।
भाई होना ही है ना, सभी ने खोल खोल के चेक करना है कि मेरा प्राइम हुआ कि नहीं हुआ, डेटा मेरा कितना बाकी है क्या नहीं है। तो ये सारे काम तो आप कर सकते हैं सिर्फ माई जियो पे, तो जिनको मालूम है उन्होंने कर लिया इंस्टॉल, जिनको नहीं मालूम है वो उसके बारे में जानते नहीं है। लेकिन 100 मिलियन डाउनलोड दोस्तों हो गए हैं और ये आ गई है टॉप फ्री एप्स में नंबर 1 पे इंडिया में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया iPhone 8 को लेके, और यहाँ पे दोस्तों iPhone 8 की एक और कुछ फोटोज लीक हुई हैं अलग अलग कलर्स में, और इसके अलावा मालूम भी चलता है कि यहाँ पे जो होने वाला है होम बटन उसको आप छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं, बिकॉज दोस्तों ये होगा एक सॉफ्टवेयर वाला ऑन स्क्रीन बटन पहली बार एप्पल के लिए। अभी अब इसको बड़ा करके क्या करोगे छोटा करके क्या करोगे दोस्तों नहीं मालूम, लेकिन ये फोन मतलब ऐसा फोन है इसके लिए इतनी हाइप बन रही है ना, इतनी हाइप बन रही है ना कि मतलब 10 साल हो गए आईफोन को, और इस चक्कर में कितनी इस फोन की ब्लैक होगी ना आप देखना दोस्तों। डबल डबल प्राइस बिकने वाला है स्टार्टिंग में, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होगी और लोग लगे होंगे लाइनों में, तो मतलब कोई कुछ भी पैसा पे करेगा इस iPhone 8 के लिए। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया कूल पैड के कूल प्ले 6 के लिए। ये दोस्तों जो फोन है ये चाइना में लॉन्च किया गया था पहले, जहां पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 653, 6GB की रैम, 4000mAh की बैटरी, ड्यूल रियर कैमराज, 5.5 इंच का दोस्तों फुल एचडी स्क्रीन, और ये अभी इंडिया में लॉन्च दोस्तों होने वाला है 20 अगस्त को। हालांकि इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, लॉन्च होगा दुबई में, होगा इंडिया के लिए। अभी इसकी प्राइस अगर ठीक नहीं रखी ना, मतलब अगर सिर्फ दुबई टूर करवा के और खुश कर दिया सबको और बाद में फोन कर दिया बहुत ही महंगा, उससे काम नहीं चलेगा भाई। अगर अच्छी प्राइस पे लेके आएंगे तो शायद कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है इस कूल पैड के कूल प्ले 6 के साथ में। दोस्तों बस ये थे सारे आज के अपडेट्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सलाह सुझाव तो अपने कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो पे लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आप रोजाना ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।